हम शरीफ क्या हुए? पूरी दुनिया ही बदमाश में। क्या आइलैंड मिलिट्री बेस? सर यू जस्ट फॉलो मी। अनएक्सपेक्टेड, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसी चीज कुछ हो जाएगी। जाता हूँ मैं अपनी धुन में, बदलते दिल के सितारे। अरे क्या बोलते हैं यार, मुझे पता ही नहीं है। गाइस यार बात कुछ ऐसी है, फ्रैंकलिन तो यार अपना मौज में अब जी रहा है। तो यार मैं ना अपने फ्रैंकलिन की गाड़ी उठा करके ले आया हूँ कि यार थोड़ी अच्छे से चलाएंगे भाई साहब, ये वाली जो गाड़ी है फ्रैंकलिन की। लेकिन फ्रैंकलिन ने मुझे कहा है कि केयरफुली चलाने को, तो यार चलो यार थोड़ी केयरफुली चलाएंगे यार, अपना आराम आराम से निकाल करके चलते हैं भाई, और क्या कर सकते हैं बाकी। तो यार अपना ओ हो हट जाओ भाई, हट जाओ जल्दी से। जाने तुझे देंगे नहीं। गाइस तो नए दिन की शुरुआत शिनचैन हम लोगों के साथ ऑडियंस की। अरे और नहीं तो क्या, अरे फ्रैंकलिन भाई बिलीव ही नहीं हो रहा यार, मतलब इतनी ज्यादा परेशानी झेली है हमने कुछ हफ्तों में। और नहीं तो क्या यार, चल यार उस बात को याद मत दिला, कुछ महीना ही बीत गया था। अरे हाँ ये महीना ही सही बीत गया था। बात सब फ्रैंकलिन, हाँ भाई बात सब यार, भाई अभी भी सपना सा ही लग रहा है, लेकिन भाई तू आ गया भाई, अच्छी बात है। तो तू मुंह क्यों फुला के बैठा है, चौको भी खत्म हो गई। अच्छा बेटा चल ठीक है, ले आऊंगा भाई। बात Shit, मैंने क्या कर दिया, मेरे भी चोट लग गई है। अरे मैंने ये गाड़ी ठोक दी। अरे फ्रैंकलिन की गाड़ी कहाँ पे है, फ्रैंकलिन की गाड़ी कहाँ पे है? ओह एरी एरी, अरे मैंने तो इसको बहुत गंदा डैमेज कर दिया। ओह भाई शिट, ओह नो यार मैंने ये क्या कर दिया, फ्रैंकलिन ने मना किया था, अरे मैंने फ्रैंकलिन की गाड़ी बेकार कर दी। फ्रैंकलिन माइकल भाई की आवाज ऊपर आ गए होंगे भाई। हाँ यार गाड़ी लेकर के आ गए भाई साहब, यार मेरे को धक धक हो रही थी बहुत बुरी तरीके से। एक सेकंड माइकल भाई, ये क्या हो गया आपको? फ्रैंकलिन ये क्या हुआ माइकल भाई, आपने ये क्या कर दिया? माइकल भाई मैंने आपसे मना किया था, आपने ये क्या किया, ये क्यों कर दिया गाड़ी का माइकल भैया? ओ भाई साहब, अरे यार सबने क्या कर दिया माइकल भाई, आपको पता भी है कितनी महंगी गाड़ी है, क्या कर दिया आपने इसका? जो गाड़ी के लग गई है वो तुम्हें दिखाई दे रहा है, और जो मेरे लग गई है वो तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। माइकल भाई आपके लग गई, आपकी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन ये गाड़ी कैसे ठीक होगी? फ्रैंकलिन बल्कि गाड़ी ठीक हो जाएगी, और मेरे जो लगी है उसका क्या? माइकल भाई आपके लग गई है, आपके तो लगती रहती है माइकल भाई, लेकिन गाड़ी का ये थोड़ी हाल करना होता है। चोट लग गई तो मैं क्या करूं, मेरी क्यों गाड़ी सड़ा दी, मेरी क्यों गाड़ी खराब कर दी इनने? माइकल भाई ये बहुत गलत किया। फ्रैंकलिन मैं तेरा हमेशा से साथ देता हुआ आया हूँ, और तू मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है। आपको पता चलता जब आपकी पुलिस की जॉब लगी होती ना, और आपको पता चलता, लेकिन आपको क्या पता चलेगा। खैर गली के गुंडे जो ठहरे। बस फ्रैंकलिन बस, बहुत हो गया तेरा, ये क्या बोल रहे तू, भी तो वही काम किया करता था, और तू सब कुछ भूल गया, कितना साथ दिया मैंने तेरा हमेशा। बात सब माइकल भैया, ये फ्रैंकलिन का वो मतलब नहीं था, जॉब मेरा वही मतलब था, तब दिमाग खराब मत करो। अच्छा जा मेरी कदर नहीं है, मुझे एक सेकंड इधर रुकना भी नहीं है। जाओ जाओ जाओ, गाड़ी ठोक दी है उसका पैसे तो दोगे नहीं, जाओ। अच्छा सब कुछ पहुंचा दूंगा तेरे पास, अब मेरे से ज्यादा बोलने की। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे गुंडागर्दी के पैसे वैसे भी नहीं चाहिए, अब मैं ईमानदारी का खाता हूँ। अच्छा ये हो गया, अच्छा मतलब मेरे चोट लग गई वो इसको नहीं दिखाई दी, और पुलिस की एड दिखा रहा है मुझे, इनको पता चलेगा कि इसने किससे पंगा ले लिया है। अच्छा इतना साथ दो और सब कुछ करो, और क्या मिल रहा है बड़े भाई को बदले में, ये सब सुनने को मिल रहा है। से पता चलेगा कि क्या पावर होती है, मुझे गुंडा बोला फ्रैंकलिन ने, अभी बताता हूँ मैं इसको। प्रेसिडेंट आज तक मैंने तेरे साथ कोई भी फेवर नहीं मांगा है। अरे माइकल तू तो अपना दोस्त है भाई। अरे हाँ माना कि हम लोग स्कूल में पढ़े हुए दोस्त हैं, तेरे से कभी भी कोई हेल्प नहीं मांगी, लेकिन तू आज मेरा एक काम कर। अरे अरे क्या हो गया वैसे, तू इतना आग बबूला क्यों है? तू फ्रैंकलिन को जॉब से निकाल। क्या फ्रैंकलिन को मैं जॉब से क्यों निकालू, सुपर कॉप है वो, तेरे से जितना बोला वो तू कर। लेकिन फिर सुपर कॉप कौन बनेगा? सुपर कॉप बनने के लिए मैं तैयार हूँ। अरे माइकल ये तो और अच्छी बात हो गई। अब यहाँ से प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन को कॉल लगाएगा, तब होएगा सारा काम। अब बताता हूँ फ्रैंकलिन को कि किससे पंगा ले लिया इसने। ले बात सब फ्रैंकलिन, छोटी सी तो बात थी, बात सब अब ठीक तो हो गई है, लेकिन तुम माइकल भैया पर कहाँ बगा गुस्सा हो गया। हाँ यार ठीक तो हो गई है, चलिए। लेकिन इस फ्रैंकलिन को हल्का सा भी ज्ञात नहीं था कि फ्रैंकलिन ने कितना कुछ गलत कर दिया है। एक सेकंड, ये किसकी कॉल आ रही है? बात सब उठा तभी तो पता चलेगा। अरे अरे प्रेसिडेंट सर। हाँ फ्रैंकलिन तुम ऐसा करो यार, जल्दी से स्टाफ क्वार्टर आओ मेरे। क्यों क्या हो गया? अरे अरे आओ ना यार जल्दी आओ यार, तुमसे कुछ काम है। ठीक है सर मैं अभी आता हूँ, दो मिनट में आता हूँ। हाँ हाँ आओ जल्दी आओ।
निकले भाई, देखने के लिए चलते क्या काम आ गया। और नहीं तो क्या भाई, ओ पत्रकार हो, हट जाओ भाई, हट जाओ। ओके गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट सर। गुड मॉर्निंग नॉट फॉर यू। अरे क्यों, क्या हो गया? फ्रैंकलिन मैं तुम्हें इस जॉब से निकालना चाहता हूँ। क्या, मेरे को जॉब से क्यों निकालना चाहते हो? मेरे को नहीं पता, मैं बस तुम्हें जॉब से निकालने वाला हूँ क्योंकि मुझे तुमसे भी अच्छा और लायक काबिल ऑफिसर मिल गया है। मेरे से अच्छा काबिल लायक ऑफिसर मिल गया है? प्रेसिडेंट सर मैंने ऐसा कर क्या दिया है? फ्रैंकली मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें अभी ये वर्दी उतार के जानी पड़ेगी और वो अपनी जो पोर्शे की गाड़ी है वो भी छोड़ के जानी पड़ेगी। पर नहीं, वो पोर्शे गाड़ी से मैं कैसे अलग रहूंगा? तुम्हें छोड़ के जानी पड़ेगी। क्यों, अब अच्छा नहीं लग रहा होगा थोड़ा सा, है ना? अब तो अच्छी लग नहीं रही होगी, पोर्शे गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब भाई के साथ ऐसा रिलेशन तोड़ेगा तो ऐसा ही होगा भाई तेरे साथ। अब तू भुगतेगा, तेरे को पता चलेगा कि तूने क्या किया है। ऐसा सर आप बहुत गलत कर रहे हो। मैं कुछ नहीं जानता, 3 सेकंड के अंदर 3 तक गिन रहा हूँ, तुम जाकर के वर्दी चेंज करके आओ, नहीं तो मेरे को एक्शन लेना पड़ेगा। प्रेसिडेंट सर आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं सुपर कॉप हूँ यहाँ का और मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ फ्रैंकलिन। ठीक है प्रेसिडेंट सर मैं करता हूँ। अबे यार ये क्या हो गया? लेकिन प्रेसिडेंट सर आप जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। मेरे को पता है मैं क्या गलत कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ, लेकिन वो इंस्पेक्टर है कौन? वो कौन है ऑफिसर जिसको आपने ऑफिसर बनाया है? अभी पता चल जाएगा, वो देखो सामने। क्या हाल चाल माइकल भाई? माइकल भैया आपने ऐसे क्यों किया? अब आप सब माइकल भैया और प्रेसिडेंट सर। अरे अरे माइकल अब तुम हो मेरे लिए काबिल ऑफिसर, सुपर कॉप इसके फ्रैंकलिन। अब तुम यहाँ पे नॉर्मल लाइफ जियो, अब तुम्हें पुलिस की वर्दी की कोई जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट सर है मुझे जरूरत। This car is for you, Michael sir. अरे अरे thank you. शेचर मेरी गाड़ी। फ्रैंकलिन भैया। क्या बोला था तूने मुझे? गुंडा, है ना? अब तेरे को पता चलेगा कि पावर क्या क्या होती है। लेकिन आप ऐसा कर क्यों रहे हो? क्योंकि तूने मेरी इंसल्ट करी है फ्रैंकलिन। तेरा मैंने हर जगह पे साथ दिया है, लेकिन खैर छोड़ो, तुझे तो कोई कदर भी नहीं होने वाली। प्रेसिडेंट सर तो चलते हैं हम। हाँ माइकल जाओ, अपना करो, अपना केस सॉल्व करो, तुम्हें एक बड़ा सा स्टाफ क्वार्टर मिलेगा। अरे प्रेसिडेंट सर थैंक यू सो मच। देख लो चलो यहाँ से। अब आज सब चल, बात सब ज्यादा जलील नहीं होना। तो क्या हो गया चौपो यार, ये थोड़ी देर में ही। अब आप सब पता नहीं क्या ही हो गया यार, अब क्या करेंगे? फ्रैंकलिन भैया कहीं आपसे जो थोड़ी सी भड़क गए थे उसकी गलती तो नहीं हो गई? यार भाई मेरे को अब रियलाइज हो रहा है, लेकिन यार मैंने इतना भी थोड़ी बोला था, ये तो होता ही रहता है। फ्रैंकलिन भैया मुझे लग रहा है इस बार कुछ आप ज्यादा ही बोल गए। पोर्शे से प्यार था लेकिन भाई से नहीं ना। तो चल भाई ले, अब तू पोर्शे से भी अलग रहा है और अपने भाई से भी अलग रहा है। जब इसको कदर पता चलेगी ना तब बताता हूँ मैं। इस जॉब की एड दिखा रहा था, जॉब की एड माइकल द सेंटर को। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब अगर ठिकाने आएगी तो ये अपने पास खुद ही आएगा। चलो तो गाइस चलते हैं। चीज कमेंट करके जरूर बता देना कि आप माइकल के साइड हो या फिर फ्रैंकलिन के। यार आपको तो पता ही होना चाहिए ना आप किसके साइड हो, तो कमेंट करके मुझे बता दो जल्दी। मतलब माइकल भाई ने सोच ही लिया था कि यार मेरे को सड़क पे लेकर के आना है, मेरे भाइयों को सड़क पे लेकर के आना है, तो मैं भी बता देता हूँ। आप क्या करने वाले हो? चल शिनचैन जल्दी से यहाँ से किसी की गाड़ी लेते हैं। अब आप तब तू करने क्या वाला है? चल भाई जल्दी यहाँ पे इस गाड़ी में बैठ करके निकल पड़ते हैं जल्दी से। अरे फ्रैंकलिन भैया आ जा शिनचैन जल्दी से। आप लेकिन तू करने क्या वाला है फ्रैंकलिन? वो तो चौप पर तुझे पता चल ही जाएगा। अरे फ्रैंकलिन भाई आप ये क्या करना चाह रहे हो, आप समझ ही नहीं आ रहा। चलो भाई चुपचाप से अब तुम मेरे साथ। अब तो चलने के लिए तैयार है फ्रैंकलिन भैया, लेकिन अब प्रेसिडेंट से कोई बड़ा व्यक्ति है भी नहीं जो आपको यार ऐसे करवा दे और माइकल भैया से कुछ बदला ले। अबे शिनचैन बदला तो मैं लेकर के रहूंगा माइकल भाई ने जो मेरे साथ किया है ना। अच्छा चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब आप भी कर सकते हो तो भाई हम भी अपनी पावर दिखाएंगे। ओ चलो चलो हम भी तो देखें प्रेसिडेंट ने किस टाइप का मेरे लिए अलॉट कर रखा है। ओ हो अरे वाह 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 नया स्टाफ क्वार्टर, अच्छा यही है। प्रेसिडेंट बड़ा मेहरबान हो रहा है। गुड मॉर्निंग माइकल सर। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। अरे ट्रैवल को भी मैं इधर ही बुला लूंगा। ओ हो बढ़िया मेंशन है। ओ क्या बढ़िया है। ओहो गुड मॉर्निंग माइकल सर। गुड मॉर्निंग। ओ इतनी सिक्योरिटी मिल गई है। अरे फ्रैंकलिन सारा घमंड टूट गया ना तेरा। अब देख मैं गाड़ियां ऐसी इकट्ठी करूंगा, पुलिस की सारी गाड़ियां इकट्ठी करूंगा
करोगे तेरे को पता चल जाएगा कि तूने क्या चीज खोई और किससे पंगा ले लिया है। फ्रैंकलिन भाई आप बता ही नहीं रहे हो कि आप कहाँ लेकर के चल रहे हो। ब्रूनो तू चल भाई मेरे साथ बस यार, भाई ये इंसल्ट अब नहीं सेंस की जाएगी। फ्रैंकलिन भैया आप यार ज्यादा ही गुस्सा हो रहे हो यार, अब तो आप मेरे को ये गलत एरिया पे लेकर के आ गए। कई गलत एरिया पे लेकर के नहीं आया हूँ, तुम मेरे साथ रहो नहीं तो माइकल भाई के साथ हो जाओ। अरे नहीं यार हम तो आपके साथ ही रहेंगे। अब आजब ऐसी क्या बात कर रहा है भाई यार, हमने भी तो फालतू बोल दिया माइकल भैया के पास, हम अभी किस मुंह से जाएंगे। नहीं नहीं माइकल भाई एक्सेप्ट कर लेंगे, चौपो तेरे को जाना है तो जा। नहीं मैं आजब पागल हो रहा है कि मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। हाँ तो बस दिमाग खराब मत कर। भाई ने मुझे क्या बोला कि क्या पावर होती है अभी बताऊंगा। बात अब लेकर आता मिलिट्री बेस है, मिलिट्री बेस पे ही तो काम है अपना चौपो। अब क्या काम है तेरा, चल भाई चल। अरे फ्रैंकलिन भाई मैं तो पहली बार आया हूँ, आप मुझे डरा क्यों रहे हो। डर नहीं रहे हो तुम, चलो बस चुपचाप से। ओके सो गाइस अब मैं पहुंच गया। गुड मॉर्निंग फ्रैंकलिन सर। गुड मॉर्निंग, इनको पता ही क्या है अभी मेरे बारे में। ऑफिसर अरे फ्रैंकलिन क्या हाल है भाई तेरे। बस बेकार हाल है, तू मेरे साथ चल, मेरे को जल्दी बता कि तुम्हारा ऑफिसर कहाँ है। अरे कहाँ, ऑफिसर के पास चलना है क्या। हाँ ऑफिसर कहाँ पे है। अरे वो ऑफिसर उधर एरोप्लेन की साइड में। फ्रैंकलिन भैया आप क्या करने वाले मिलिट्री के साथ। चुप बैठ चिंचा, तू जल्दी से बैठेगा नहीं बैठेगा गाड़ी पे। अगर प्रेसिडेंट माइकल भाई का दोस्त है तो ये मिलिट्री ऑफिसर भी मेरा दोस्त है। यहाँ पे है मिलिट्री ऑफिसर। हाँ अरे कौन है, कौन है, कौन कैसे कैसे। अरे फ्रैंकलिन भाई क्या हाल है। बढ़िया हाल है, तू बता तेरे कैसा हाल है। बस बढ़िया भाई, वैसे बता कैसे आना हुआ यार, तू कभी आता नहीं है और अपने भाइयों को भी लेकर गया। और कैसे हो पाप सब, रबस्ते बहुत सही है। मुझे डर लग रहा है मेरे माइकल भाई मेरे पे पावर दिखा रहे हैं अपनी। क्या तेरे पे पावर दिखा रहे हैं। प्रेसिडेंट उनका दोस्त है ठीक है, तो उन्होंने मुझे जॉब से निकलवा दिया और अब मैं सड़कों की डर डर की ठोकरें खा रहा हूँ। अरे ऐसे इतना कुछ हो गया तूने बताया क्यों नहीं। आया तो हूँ ना मैं तेरे पास, अभी प्रेसिडेंट के पास से आ रहा हूँ। प्रेसिडेंट के सामने भी मेरी इंसल्ट हो गई है लेकिन मैं इसे ये सहन नहीं की जाएगी। अरे तो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट तो चेला है अपना यहाँ का। अरे अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया प्रेसिडेंट तो बहुत बड़ा होता है। शिनचैन प्रेसिडेंट बड़ा होगा अपने लॉस सैंटोस पे, इधर आर्मी वालों के सामने कोई बड़ा नहीं है। ये है जो मेरा दोस्त, वो है आर्मी ऑफिसर। फ्रैंकलिन तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें बिना वर्दी के नहीं देख सकता। मेरे को बिना वर्दी के नहीं देख सकता, मुझे भी एक आर्मी ऑफिसर बना दे। क्या फ्रैंकलिन। हाँ अरे फ्रैंकलिन वैसे भी मुझे एक आर्मी ऑफिसर हट्टा कट्टा नौजवान देखना था, और फ्रैंकलिन तुमसे अच्छा वो कोई आर्मी ऑफिसर हो ही नहीं सकता है। तुम पूरे आर्मी ऑफिसर के ग्रुप को लीड करोगे। तो फ्रैंकलिन भैया ये क्या करेंगे। चैन मतलब यार ये लीडर मान के चल रहे लेकिन यार मुझे ये काफी चीजों को मैनेज करने के लिए देंगे। अरे ऐसी बात है क्या, और नहीं तो क्या। फ्रैंकलिन तुम एक आर्मी ऑफिसर बन जाओगे। अरे वो अपनी वर्दी पहनाओ, मुझे जल्दी से आर्मी ऑफिसर बनाओ। तुम्हें एक अपना खुद का मिलिट्री बेस मिलेगा, खुद का मिलिट्री बेस। खुद का मिलिट्री बेस फ्रैंकलिन ये क्या बात हो रही है। हाँ फ्रैंकलिन तुम्हें खुद का मिलिट्री बेस मिलेगा ठीक है, तुम्हें जाना पड़ेगा और वो आइलैंड मिलिट्री बेस है। क्या आइलैंड मिलिट्री बेस। हाँ फ्रैंकलिन उस आइलैंड मिलिट्री बेस पे तुम्हें जाना पड़ेगा। अरे भाई साहब अपने जब बाप से पंगा लोगे तो ऐसा ही होगा। मैं बड़ा गुड मॉर्निंग माइकल सर। गुड मॉर्निंग सर, आपके भाई कहाँ पे हैं। अरे तुम बोलो ही, पूछो मत उसके बारे में। चलो ये अब हो गया ना भाई साहब, मजेदार जगह मजेदार जिंदगी। अब देखता हूँ मैं पूरा स्टाफ क्वार्टर को छानता हूँ। भैया जच रहे हो। बाप साहब फ्रैंकलिन बहुत जच रहा है तू। हाँ बन गया हूँ मैं मिलिट्री ऑफिसर। फ्रैंकलिन ये जो मिलिट्री ऑफिसर की ये वर्दी है हर किसी को नहीं मिलती है। जैसे तुम्हें पुलिस में यूनिक वर्दी मिली थी वैसे ही तुम्हें मिलिट्री ऑफिसर की वर्दी मिली है। देखो कोई भी मिलिट्री ऑफिसर इस टाइप के कपड़े नहीं पहनता, ना ही कोई कमांडो और ना ही मैंने पहन रखे हैं। तो फ्रैंकलिन यू आर यूनिक एंड यू आर द वन। अरे ठीक है फ्रैंकलिन, तुम्हें गाड़ी सिक्योरिटी सब मिलेगी। भाई अभी मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए, कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, अभी मैं इस गाड़ी से काम चला लूंगा। फ्रैंकलिन वैसे भी मैं तुम्हारे लिए कोई एक बढ़िया अच्छी खासी एक अच्छी खासी आर्मर्ड आर्मी कार अलॉट करूंगा फ्रैंकलिन। ठीक है वो होती रहेगी लेकिन अभी मुझे आइलैंड का रास्ता बताओ। फ्रैंकलिन तुम्हें समुंदर पार करके जाना पड़ेगा। अच्छा
हाँ, और मैं लोकेशन भिजवा दूंगा, मेरी टीम लोकेशन भेज देगी। फ्रैंकलिन भाई ये तो गजब हुई कबा। गजब हो गया ना ब्रूनो, चल शाम भी होने को आई है, अभी हमें जल्दी से आइलैंड पहुंचना है और आइलैंड को हमें देखना है अच्छी तरीके से। हाँ यार फ्रैंकलिन भाई, अभी अच्छी तरीके से देख करके आते हैं किस टाइप का बन रखा है। और नहीं तो क्या यार, जल्दी चलते हैं। और गाइस अभी तक अपनी वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रैंकलिन भैया ने क्या कर दिया, गुड इवनिंग फ्रैंकलिन सर, नए ऑफिसर। अरे अरे ओके, तो गाइस यार चलो यार चलते हैं, माइकल भाई पावर की बात करते हैं ना, अब इन्हें पता चलेगी। फ्रैंकलिन भैया जो माइकल भैया पुलिस ऑफिसर है उनसे भी बड़े ऑफिसर बन गए हो आप, और नहीं तो क्या शिनचैन। अरे यार गजब हुई कब गाइस, गजब हुई कब। फ्रैंकलिन भैया ये कर सकते हैं, मुझे पता ही नहीं था। आपके से ये जेट ये मेरे लिए ही है सारे शिनचैन। अरे फ्रैंकलिन भैया ये आइलैंड पहुंचेंगे क्या? हाँ गाइस, जो जेट गए हैं शिनचैन सबके सब आइलैंड पहुंचेंगे। अरे वो आइलैंड पहुंचेंगे, उससे पहले आप पहुंच जाओ। नहीं वो को आ गया। वैसे गाइस मैं सब कुछ देख सकता, मैं फ्रैंकलिन से कोई बदला नहीं लेता, लेकिन जो फ्रैंकलिन बदतमीजी कर रहा है मेरे सामने, मेरे मुंह पर ऐसी बदतमीजी उसने करी है, मतलब मेरी कोई परवाह नहीं, मैं चोट खा करके आया हूँ। तो गाइस बताओ मैंने क्या गलत कर दिया, इसको रियलाइज होना चाहिए कि इसने क्या गलती करी है। अब जब आएगा ना मेरे पास फ्रैंकलिन, तभी मैं इस वर्दी को उतारूंगा, अब यार तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा, है ना। लेकिन ये सब फ्रैंकलिन को अब आकर माफी मांगनी पड़ेगी। तो दोस्तों लेकिन माइकल को भी यहाँ पे नहीं पता कि फ्रैंकलिन भी वहां पे बदले की आग में फ्रैंकलिन ने क्या कर बैठा है। अब माइकल सोच रहा है कि फ्रैंकलिन मेरे पास आएगा, लेकिन फ्रैंकलिन तो निकल पड़ा। तो देखिए आगे क्या होता है। जैन तुझे क्या लगता है, ये जो भाइयों के बीच टकरार हो रही है वो सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है फ्रैंकलिन भैया, जो हो गया है वो बहुत गलत हो गया है, आप माफी मांग के यार खत्म करो चीजों को। लेकिन शिनचैन मैं अब आगे बढ़ चुका हूँ, मैं माफी नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। मेरे यहाँ पर रिस्पेक्ट की बात आई है, सेल्फ रिस्पेक्ट की। मैं बात सब सेल्फ रिस्पेक्ट गया गुइया के खेत में, तू हो गया बहुत ज्यादा गुस्सा। अब देख भाई बहुत चीजें खराब हो गई, माइकल भैया को भी उधर समझना चाहिए और तुझे भी समझना चाहिए। तो मैं क्यों समझूं, माइकल भाई ने मेरे को जॉब से निकाला है, हम सड़क पर आ गए हैं। बात सब ये भी बात है, तो भाई साहब इसका मतलब तो आपने भी तो पहले उसे गलत बोला है। शिनचैन वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन माइकल भाई मैंने गलत बोला तो माइकल भाई भी गलत बोल देते, लेकिन इतना क्या करने की जरूरत थी, माइकल भाई को इतना क्या दिल पे ले जाने की जरूरत थी जो माइकल भाई ने हमें सड़क पे छोड़ दिया। तो देखते हैं भाई, माइकल भाई को भी अभी पता चलेगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। ओके सो गाइस अंधेरा होने वाला है और हम पहुंच रहे हैं अपनी आइलैंड की तरफ। खूनी हाईवे है, खूनी हाईवे। बात अब इससे आसपास तो नहीं है आइलैंड? नहीं, दूर है आइलैंड। बात अब ये खूनी हाईवे के आसपास ना हो भाई, मेरे को बहुत डर लगता है यहाँ का, रोज का आना जाना होगा भाई। अबे अरे फ्रैंकलिन भाई खूनी हाईवे क्या होता है? खूनी हाईवे वो ऑडियंस से पूछ लियो तू। अरे गाइस आप बता दो खूनी हाईवे क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ ऑडियंस बता देगी तेरे को कितने पार्ट्स आए थे और क्या क्या हुआ था खूनी हाईवे में, सब बता देगी तेरे को। बाबा सब चल भाई चल, अभी तू चल। हाँ भाई हाँ, तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हम अपना आइलैंड देखने जा रहे हैं। सर हेलो हेलो हेलो, तो ये है क्या मेंशन? नहीं नहीं सर ये नहीं है, ये आइलैंड थोड़ी है। अच्छा अच्छा सर, आपको मैं लेकर के चलता हूँ। सर यू जस्ट फॉलो मी। हाँ हाँ बताओ बताओ, बोट का अरेंजमेंट किया गया है आपको वहाँ पर लेकर के जाने के लिए। अच्छा अच्छा हाँ, तो चलिए सर आपको हम लेकर के चलते हैं। वैसे आप ऑफिसर बन गए हो ना तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मच रही है, लेकिन सर अब आपके साथ एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होने वाली है। क्या होने वाली है? ये आपको पता चलेगा कि हमारे ऑफिसर ने किस टाइप का आपके लिए अरेंजमेंट किया है। सर आपके लिए बहुत स्वागत है आपका। हाँ हाँ चलो लेकर के चलो, मेरे को पता चले कि किस टाइप का हो रखा है। आइए सर पहले बोट में बैठिए, तब आपको दिखाते हैं हम। फ्रैंकलिन भैया मुझे डर लग रहा है। शिनचैन चल भाई, अब तू मिलिट्री वाला बन गया है तो भाई सब डर डर तो भगाना ही पड़ेगा। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया। फ्रैंकलिन भैया मुझे डर लग रहा है। शिनचैन अब डर तो मुझे भी लग ही रहा है, लेकिन चलते हैं अब। अरे फ्रैंकलिन भाई मुझे भी। सर डरने की बात नहीं है सर, आप चलिए। नहीं तो क्या है, पूरे आसमान ये पूरी जगह काली काली हो रही है और इस डरावनी जगह में है। हाँ इस डरावनी जगह में होगा सर आपका आइलैंड, और सर आप यहाँ पे राज करोगे। राज भाई राज तो करेंगे, लेकिन यार मैं पहली बार ये चीज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ यार, तुम लेकर के कहाँ जा रहे हो, तुम्हें पता भी है? सर मुझे पता है, आप चलिए आपको आइलैंड दिखाई देगा। और ये बीच में क्या कर रहा है ये लाइट वाइट? सर यही तो है आपके लिए। अरे फ्रैंकलिन भैया ये क्या हो रहा है? अरे फ्रैंकलिन भाई मैं डर लग रहा है मुझे। सर आप मेरे पे भरोसा रखिए, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई, डर कैसे ना लगे। क्या यहाँ पे एक आइलैंड
इस पे आइलैंड पे मिलिट्री बेस। हाँ जी सर, यही है, वेलकम टू योर न्यू आइलैंड। अबे भाई तूने सही में बोला कि मैं अनएक्सपेक्टेड चीज होने वाली है मेरे साथ, और ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है। रात को तो डरावना लग रहा है। ओके ओके, ये है मेरा मिलिट्री बेस। अरे फ्रैंकलिन भैया, आप तो यहाँ पे राजा हो राजा। सर आप यहाँ के राजा हो गए राजा, और यहाँ पे सब कुछ आपके फेवर में होगा। भाई साहब, भाई तुम लोग क्या करते हो भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आता। सर अब आप चलिए, आपके लिए शेफ सब कुछ चीज का अरेंजमेंट हो रखा है, आप चलिए और उतर करके जाइए। सर आप इधर से चल जाइए। ओ भाई ठीक है ठीक है ठीक है। तो गाइस ये आइलैंड। अरे फ्रैंकलिन भैया चलो। हाँ चल रहा हूँ शिनचैन। बात सब हम कौन सी जगह पे आ गए हैं लॉस सैंटोस छोड़ करके। एक सेकेंड चलते हैं। अरे फ्रैंकलिन सर आ गए हैं, सुनो सुनो सुनो, फ्रैंकलिन सर आ गए हैं। क्या फ्रैंकलिन सर? हेलो 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 फ्रैंकलिन सर। यार तुम लोग ऐसे कैसे सरवाइव कर रहे हो पूरे आइलैंड में? अरे सर हम सरवाइव कर लेते हैं सर। अरे शिनचैन भाई साहब, क्या गजब की जगह है ये, मैंने भी नहीं सोची थी, ये तो बहुत बढ़िया जगह है। बाबा सब बहुत ज्यादा बढ़िया है। अरे फ्रैंकलिन भाई सही में गाइस देख सकते हो कि क्या चीज हो गई है, वो तो रात का टाइम है और रात के समय पे कितना ज्यादा ही बेहतरीन लग रही है ये जगह। अरे फ्रैंकलिन भैया अब से ये आपकी जगह और मैं यहाँ का राजा। फ्रैंकलिन सर यू आर द न्यू किंग ऑफ दिस आइलैंड। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे भाई यहाँ पे क्या होता है? सर यहाँ पे डेंजर भी बहुत है। डेंजर? कैसा डेंजर? सर यहाँ पे सब कुछ अटैक वटैक होते रहते हैं। अरे यार वो चीज तो झेल ली जाएगी। अरे फ्रैंकलिन भैया और नहीं तो क्या? बाकी तो गाइस यार यहाँ पे मिलिट्री बेस का सब कुछ सामान पड़ा हुआ है, यहाँ पे जो भी होना चाहिए यहाँ पे अपना सब कुछ है। अरे फ्रैंकलिन भैया और यहाँ पे देखो। ओके सर। हेलो 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 शिनचैन सर। अरे हेलो, अरे मेरे को भी हेलो बोलो। अरे ब्रूनो को भी हेलो बोल दो यार, यार इसको भी बहुत अजीब लगता है कि किसको कोई हेलो ना बोले। तो गाइस देख रहे हो ना, मतलब यार माइकल भाई से रिश्ता टूट सा गया है, और देख रहे हो ना मेरे साथ क्या हुआ है, और ये मिलिट्री बेस मिल गया मुझे, मतलब यार यहाँ पे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी। फ्रैंकलिन भैया ये देखो ये जगह। अरे हेलो फ्रैंकलिन सर। हेलो हेलो हेलो। ओके सो गाइस देख रहे हो ना वो जो तीन जेट उतर करके आए थे सर, ये लोग ना ढंग से चला कर नहीं लेकर के आए हैं। अच्छा अच्छा तू ही नहीं लेकर के आया ना? हाँ जी सर। अरे सर मैं तो मैकेनिक हूँ, मैं तो कर रहा हूँ रिपेयर। अच्छा अच्छा गाइस ये वही तीन जेट हैं जो हमारे ऊपर से आए थे, देख रहे हो ये व्यक्ति लुट के पुट के पड़े हुए हैं। फ्रैंकलिन भैया यही लुट के पुट के हैं, यही गलत तरीके से लेकर के आए हैं, और नहीं तो क्या। बस अब फ्रैंकलिन ये क्या चीज़ है? फ्रैंकलिन सर ये आपकी पार्किंग, आपका यहाँ पे रन वे बन सकता है सर, यहाँ से आप अपना जेट उड़ा करके ले जा सकते हो। ओके सो गाइस क्या चीज गजब हो गया मेरे साथ, मतलब यार अनएक्सपेक्टेड, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसी चीज कुछ हो जाएगी। दूर दूर तक कोई भी नहीं है यहाँ पे। फ्रैंकलिन भैया ब्रूनो खाना खाने के लिए गए। खाना खाने के लिए? अरे हाँ चलो उसे खाना खाने दो। तो गाइस देख रहे हो ना क्या सब हो गया है, और माइकल भाई को पता भी नहीं है कि मैंने उनके पीठ पीछे क्या कुछ नहीं कर दिया। उन्होंने सोचा कि मैं सड़क पे सड़ता रहूंगा, लेकिन मैं भी फ्रैंकलिन हूँ, ऐसे ही थोड़ी सड़ता रहूंगा। So guys, ये है न्यू आइलैंड, न्यू फ्रैंकलिन, न्यू सीरीज। पुराना अगर कोई है तो आपका पुराना PSS गेमर, तो PSS गेमर आपके लिए नई सीरीज लेकर के आया है। तो इस सीरीज को इतना ज्यादा प्यार दो कि मैं सेकंड पार्ट भी जल्दी से लेकर के आऊँ। तो जल्दी से इस पे कमेंट पहुंचा दो, 1000 कमेंट पहुंचा दो, तो गाइस मैं जल्दी से दूसरा पार्ट भी लेकर के आऊंगा, है ना। तो गाइस देखना है कि आगने वाले टाइम में होता क्या है, माइकल और फ्रैंकलिन की लड़ाई चल रही है, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस अगर वैसे वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन से लिंक उठा करके। तो गाइस मिलते हैं जल्दी से नई वीडियो में आएंगे, है ना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।